अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक मरीज़ जो होते हैं, उनमें मैदे के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्लिनिक पे, हॉस्पिटल्स में जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, अक्सर उनके जो विजिट्स होते हैं वो बार बार अपने मैदे के प्रॉब्लम्स के लिए आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ भी यही हिसाब है। अब कई लोगों ने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब, शुगर का कोई मैदे पे या हमारी जो मैदे की सेहत होती है उस पर कोई असरात होते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के, वो मैदे से रिलेटेड होते हैं। गैस हो गई, डायरिया हो गया, कब्ज़ हो गई, ये सारी चीज़ें शुगर पेशेंट बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। आज हम बात करेंगे, क्या शुगर का मैदे के मसाइल से भी कोई ताल्लुक है कि नहीं? बिल्कुल जी हाँ, स्टमक के जो इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ का बहुत गहरा ताल्लुक है स्टमक के प्रॉब्लम्स के साथ। और जब इस पे बात करेंगे, पहली चीज़ तो है गैस्ट्रोपैरेसिस। जिनको डायबिटीज़ होती है, उन पेशेंट्स में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ, जब उनके शुगर कंट्रोल नहीं होता, तो एक ख़ास किस्म की नर्व होती है जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं, जो कि जो हमारा मैदा होता है उसके जो पट्ठे होते हैं, मैदे के भी पट्ठे होते हैं, उनकी पट्ठों को सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई होती है। अब जब शुगर हाई रहती है, अनकंट्रोल्ड रहती है, तो ये वेगस नर्व वीक हो जाती है। जब ये वीक हो जाती है, तो जो स्टमक के पट्ठे होते हैं उनका काम प्रॉपर नहीं होता, मैदे के पट्ठे कमज़ोर होते हैं, उनका काम सही नहीं होता, तो उसकी वजह से जो है वो गैस इकट्ठी होती है मैदे में, मैदे की जो मूवमेंट है, जो उसकी हरकत हैं, वो स्लो हो जाती हैं। इसी की वजह से फिर कभी जो है वो कब्ज़ हो जाती है, कभी गैस भरना शुरू हो जाती है, हाजमा ठीक नहीं रहता, और इस ऐसे सारे सिम्टम्स जो है फिर पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी मेरा मैदा गड़बड़ कर गया। तो ये पहली चीज़ है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होती है, जिसको हम गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं। दूसरी चीज़ है डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी। आपने सुना होगा, न्यूरोपैथी ज़्यादातर पाँव को जो है ना वो डिस्टर्ब करती है, लेकिन मैदे को भी डायबिटिक न्यूरोपैथी डिस्टर्ब करती है। जब न्यूरोपैथी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो एक ख़ास किस्म की न्यूरोपैथी जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, तो उसकी वजह से भी मैदे की जो हरकत हैं वो स्लो हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पेट में जो है मरोड़ उठते हैं, और जलन होती है, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से, जिसको हम ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, उसकी वजह से मैदे में होती है। तीसरी चीज़ हाइपरग्लाइसीमिया, यानी हाई शुगर लेवल। जब शुगर लेवल 250-300 से ऊपर जाता है, उसकी वजह से भी जो मैदे की हरकत हो जाती हैं, जो उसकी मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, बाज़ अवकात रुक भी जाती है, जब बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग आ सकती है, जिसकी वजह से जो है आपको गैस इकट्ठी हो जाती है, और नौजिया और दिल मतली करना, ये होता है। और ख़ास तौर पे जब बहुत ज़्यादा शुगर हाई होता है, तो अक्सर पेशेंट जो है प्रेजेंट करते हैं एमरजेंसी में वॉमिटिंग के साथ, नौजिए के साथ, और पता ये चलता है कि ओहो, ये तो शुगर लेवल बहुत हाई गया हुआ। तो ये तीसरी वजह है मैदे की सिम्टम्स की शुगर पेशेंट्स में। चौथी बड़ी अहम चीज़ है मेडिकेशंस। कुछ डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, उनको कुछ ऐसी अद्वियात दी जाती हैं, शुगर की मेडिकेशंस होती हैं, बड़ी अच्छी मेडिकेशन होती है, लेकिन उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर उनको मालिश के मुताबिक, जो मालिश आपको तरीका बताता है कि किस टाइम गोली लेनी है, भरे हुए पेट पे लेनी है, खाली पेट लेनी है, खाने के दरमियान, अगर उस तरीके मुताबिक आप दवाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, ख़ासतौर पर मेटफॉर्मिन, तो ये भी तेज़ाबियत करती है, मैदे को गैस बनाती है, ब्लोटिंग करती है, जिसकी वजह से मैदे के मसाइल हो सकते हैं शुगर पेशेंट्स में। तो ये एक और बड़ी वजह है शुगर पेशेंट्स में मैदे के मसाइल के। तो लिहाजा जब भी आपको कोई मॉलेज दवाई देता है शुगर की, तो उसके बताए हुए टाइम पे आपने दवाई लेनी है, उसके बताए हुए तरीके पे आपने दवाई लेनी है, अपने पास से अपने टाइमिंग्स चेंज नहीं करनी या तरीके चेंज नहीं करने, जिसकी वजह से फिर आपका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। एक और जो वजह होती है स्टमक इश्यूज़ की डायबिटिक पेशेंट्स में, वो होती है इन्फेक्शंस। आपको पता है, जब शुगर हाई रहती है, शुगर पेशेंट्स में जो आपकी इम्यूनिटी होती है, कुव्वत मुदाफ़त होती है, वो वीक हो जाती है। जब कुव्वत मुदाफ़त वीक होती है, तो पेशेंट इस बात के ख़तरे में चला जाता है कि उसको बार बार इन्फेक्शन हो सकती हैं, क्योंकि अपनी कुव्वत मुदाफ़त होती नहीं, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फ़ाइट होती नहीं जिस्म में, तो उससे फिर इन्फेक्शन अटैक करती हैं, और इन्फेक्शन जो हैं वो डायरिया की सूरत में भी हो सकती हैं, आपकी वॉमिटिंग की सूरत में भी हो सकती हैं, पेट में मरोड़ होने की सूरत में हो सकती हैं, बुखार की सूरत में हो सकती हैं, और फिर मैदा डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से, जब पेट की इन्फेक्शन होती हैं। तो ये भी एक वजह है शुगर पेशेंट्स में मैदा ख़राब होने की। एक और बड़ी अहम वजह शुगर पेशेंट में जो मैदा ख़राब होने की है, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी। आपने देखा होगा, जब शुगर पेशेंट्स शुगर के मरीज़ बनते हैं, तो एक ख़ास किस्म का उनका जो है वो डिप्रेशन उनमें आ जाता है, टेंशन आ जाती है, एंजाइटी आ जाता है, उनको हर वक्त खौफ रहता है शुगर हाई होने का, लो होने का।
जिसकी वजह से मैदा भी जो है वो टेंशन में आता है, और जब मैदा टेंशन में आता है तो फिर मैदे में कुछ भी हो सकता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, कभी कभी पेचिश लग जाती हैं, कभी गैस हो जाती है, तो ये चीज़ें स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से आती हैं। एक और आखिरी बात जो मैं बताते चलूँ, एक और बीमारी होती है मैदे की जिसको कहते हैं सीलिएक डिज़ीज़। अब सीलिएक डिज़ीज़ डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होती है, ये बीमारी और आम मरीज़ों में भी होती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में सीलिएक डिज़ीज़ का चांस बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे टाइप 1 डायबिटिक्स में। तो उनमें जब सीलिएक डिज़ीज़ होती है मरीज़ को और उसकी जो ग्लूटेन डाइट होती है, ग्लूटेन शामिल है उसकी डाइट में, तो फिर उसका मैदा डिस्टर्ब रहता है, डायरिया लग जाता है, हाजमा ख़राब हो जाता है, गैस होती है, और जिसकी वजह से फिर पेशेंट जो है डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है उनको बार बार। तो सीलिएक डिज़ीज़ भी एक बड़ी वजह है टाइप 1 डायबिटिक्स में मैदे की प्रॉब्लम की। अब हम आखिरी बात करते हैं जो कि डायबिटिक स्ट्रेस में देखी गई है, वो होती है GERD, जिसे कि हम कहते हैं रिफ्लेक्स डिजीज़ ऑफ स्टमक। यानी GERD एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जब शुगर पेशेंट जब डायबिटिक बनता है और उसकी शुगर अनकंट्रोल रहती है तो उसकी जो मैदे की जो मूवमेंट है वो रिवर्स हो जाती है, और उसकी वजह से GERD होता है। GERD होने की वजह से गैस रहती है, सोते हुए मुँह में पानी आता है, खट्टी डिकारें आती हैं, और जिसकी वजह से पेशेंट जो है बार बार डॉक्टर के पास जाता है कि जी मेरा मैदा ठीक करें। तो ये कुछ अवामिल थे जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को इस बात का ख़तरा रहता है कि वो मैदे उसका मैदा ख़राब रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मालिज से मिलें, शुगर कंट्रोल में रखें, और मालिज के मुताबिक उसकी दी हुई हदायत के मुताबिक आपने दवा भी लेनी है और अपना कंट्रोल भी रखना है। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।